हाय गाइज, जो जवान हैं भर्ती देख रहे हैं उनके लिए CRPF में बहुत ही बड़ी सौगात आई है, जिसमें लगभग 1,30,000 जवान भर्ती होने हैं कांस्टेबल GD पे CRPF में, ओनली CRPF में। औरों में तो है ही, लेकिन ओनली CRPF में 1,30,000 समथिंग भर्तियों ने। तो अभी से जुड़ जाइए, अगले कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें रनिंग, फिजिकल और एग्ज़ाम होने, रिटन टेस्ट होना है। तो जो भी साथी हैं जो भर्ती देख रहे हैं वो अभी से जुड़ जाएं, कुछ ही टाइम में आ जाएगी वैकेंसी। तो नया रोज़गार मिलने वाला है, और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे जो भर्ती देख रहे हैं अपने रिलेटिव में जो भी है, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जैसे ही ये वैकेंसी आएगी मैं आपको दोबारा से नोटिफाई करूंगा। तो ये वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तो लास्ट में बताऊंगा आपको कहां पर कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो लास्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में पता चल जाएगा आपको कहाँ कितनी वैकेंसी हैं स्टेट वाइज। तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। जैसे कि भारत सरकार का ये राजपत्र है, मतलब गजट है, ये जो 5 अप्रैल को जारी हुआ है, मैंने इसमें पूरा अध्ययन किया है, उसके बाद ही मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो गाइज इसमें क्या है, जो नई दिल्ली से प्रसारित होता है ये गजट, तो इसमें दे रहा है कि ग्रुप ग, मतलब कि ये जो CRPF है वो 1949 में स्थापित हुई थी, और इसकी धारा 18 के उपधारा 1 में की गई, जिसमें ग मतलब सी कैटेगरी सामान्य ड्यूटी, इसमें तकनीकी ट्रेडमैन कैडर आता है, जो कि 2010 से इसको लागू किया गया था। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पद के लिए अधिकरण करते हुए, मतलब ये पढ़ सकते हैं आप, इसमें संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, नियमों के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नियम 2023, ये गए जो भर्ती होनी है उस पर लागू रहेगा 2023, और इसकी संख्या कितनी रहेगी आपको अभी मैं आगे बताऊंगा। तो चलते हैं, या आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो अब इसमें देखो कितने पद हैं, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी ये देखो 1 नंबर पे दिया हुआ है, और इसमें पद दिए हैं 1,29,929, मतलब 1,29,929 2023। पुरुष इसमें रहेंगे 1,25,262 इसमें पुरुष रहेंगे, मेल एंड 4,667 इसमें महिलाएं रहेंगी। इनके पद को कम ज़्यादा परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें साधारण केंद्रीय सेवा ग्रुप ग का राजपत्रित अनुसार की योद्धक होंगे, इसका वेतन मैट्रिक होगा स्तर लेवल 3 पे 21,769 rupees, और आयु रहेगी, आयु सीमा रहेगी 18 से 23 वर्ष के लिए, मतलब 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष शिथिल की जा सकती है, मतलब 3 साल की उनको छूट दी जाएगी अन्य पिछड़ा वर्ग को, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु सीमा जब उसका डेट निर्धारित किया जाएगा, विभक्ति मतलब नोटिफिकेशन निकलेगा उसी टाइम इसका निर्धारित किया जाएगा कि क्या डेट में क्या डेट तक लेना है, और अग्निवीरों के लिए स्पेशली 5 साल की इसमें छूट दी गई है। अग्निवीर अभी तो नहीं हुए हैं लेकिन भर्ती हो गए हैं, उनका ट्रेनिंग चल रहा है, तो जो वो निकलेंगे उसके बाद ही उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अग्निवीरों को। भूतपूर्व अग्निवीर हैं
उनको आयु में छूट दी गई है 3 वर्ष के लिए, ऊपरी 3 वर्ष के लिए। सीधी भर्ती से ये भर्ती शैक्षणिक अर्थ क्या रहेगी, किसी भी सरकारी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैन्य सेवाकर्मी की दशा में समतुल्य, मतलब किसी भी इस सरकारी या राज्य द्वारा प्रदत्त मान्य किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक से ऊपर चलेगा लेकिन मैट्रिक से नीचे नहीं चलेगा। और जनरल ड्यूटी के लिए फिजिकल और मेडिकल समय समय पर जो स्कीम चलती रहती है उनके अनुसार ही होगा। भर्ती की विभक्ति विज्ञप्ति उसमें बताया जाएगा आपको कि जब भर्ती की वैकेंसी निकलेगी उसमें बताया जाएगा कि फिजिकल और एग्ज़ाम के लिए क्या क्या उसमें पास करने की आपको आहारक क्वालिफाई होना चाहिए, क्या क्या चाहिएगा। और अग्निवीरों को फिजिकल में छूट दी गई है दी, तो इसके बाद क्या है, क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं, लागू नहीं होगी। श्रीमान परीक्षा परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो तो 2 वर्ष की, इसमें कन्फर्मेशन के लिए 2 वर्ष सही, 2 वर्ष कंपलसरी है, उसी के बाद वो स्थायी माना जाता है और परमानेंट होता है। उसके बाद भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत, सीधी भर्ती होगी, सीधी भर्ती द्वारा होगा। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पद पर भर्ती के लिए 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें से जो भर्ती होनी है 1,29,929, तो इसमें से 10% भूत अग्निवीरों के लिए रखे गए हैं पद, 10% अग्निवीरों के लिए रखे गए हैं। इसके बाद पदों में प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिन्हें पदोन्नति प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाना है इसमें लागू नहीं है। इसमें कौन कौन रहेगा भर्ती के लिए, भर्ती के लिए रहेगा उप महानिरीक्षक मतलब DIG और इसका कमांडेंट रहेगा, अध्यक्ष रहेगा और उप कमांडेंट सदस्य 1 रहेगा, सहायक कमांडेंट सदस्य 2 रहेगा। ये क्या रहेंगे, विभागीय पदों की समिति, तो उसकी संरचना और भर्ती में करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है, लागू नहीं, ये भी लागू नहीं है। तो गाइज ये नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये कभी भी आ सकते हैं, अगले कुछ ही दिनों में ये भर्ती आपके सामने रहेगी। तो जो जवान हैं भर्ती CRPF में होना चाहते हैं तो वो अभी से कंटिन्यू अपना समय बर्बाद किए बिना ही तैयारी में जुट जाएं। इसकी एग्ज़ाम SSC के तहत इसकी एग्ज़ाम होनी है, तो मैं आपको ले सकता हूँ कहाँ पर कितने पद रहेंगे। तो गाइज यही था अपना वीडियो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइज।